नमस्कार सीएम भगवंत मान बोले, पंजाब में भी नाजायज कब्जों को हटाने के लिए चलेगा बुलडोजर। यूपी के बाद अब पंजाब में नाजायज कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर चलेगा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि जिन भी रसूखदार लोगों ने जमीनों पर नाजायज कब्जों कर रखे हैं, उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। मान ने कहा कि विपक्ष में बैठे कुछ लोग सरकारी कोठियों खाली करने को तैयारी नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने कारों को भी मुश्किल से पास किया है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जों को लेकर भी सभी के कागज तैयार करवा रही है। मान ने कहा कि पंजाब में अब अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलेगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने हाल ही में पंचायतों पर अवैध कब्जों पर हटाने का अभियान चला रखा है। पंजाब की पंचायतों में लोगों ने करीब 5,000 करोड़ एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे कर रखे है। भगवंत मान सरकार ने इन कब्जों को छुड़वाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने भी प्रशासन को अवैध कब्जों को कानूनी प्रक्रिया के तरह हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस मुहिम के पहले पड़ाव के अंतर्गत 31 मई 2022 तक 5,000 एकड़ पंचायती जमीन से अवैध कब्जे हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। धन्यवाद। जय हिंद।